सोचा मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं, तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूं। विवान कहाँ गायब हो गया? बस बहुत हो गया। मान गई ना तमनाशा, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। बुराई और अच्छाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी बालवीर, नहीं होगी बालवीर। आज भले ही तुम जीत गए, भले ही तुम जीत गए, लेकिन बुराई वापस जन्म लेगी, वापस जन्म लेगी। आज भले ही तुमने दुनिया में अच्छाई की रोशनी क्यों ना फैलाई हो, क्यों ना फैलाई हो, लेकिन बुराई का अंधेरा वापस फैलेगा, वापस फैलेगा, बुराई वापस आएगी। मरने से पहले लोग आखिरी हिचकी लेते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आखिरी हंसी लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी बदकिस्मती पर हंस रही हूँ बालवीर। मेरा एक काम करोगे छोटे बालवीर? मेरा एक संदेश अपने उस बड़े बालवीर को दे देना जो उसकी किस्मत पलट कर रख देगा।
रुको विवान, तिमनासा की किसी भी बात पर बिलीव नहीं किया जा सकता। ये जरूर इसकी कोई चाल है। जाते जाते भी चालबाजी करना नहीं छोड़ेगी, थी ट्रबल क्वीन। चलो विवान। बट विवान, अब मैं भी तुम्हें डबल डोज देने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। किस चीज का डबल डोज? जल्दी ही पता चल जाएगा। सो आर यू रेडी? यस। विवान, विवान, हाँ, मुझे देख के भाग का रहे हो? नहीं, वो तो मैं कोने कोने से कचरा साफ कर रहा था। पता, श्वेत लोक में तो राज रसोईया सारा सामान लेकर आया करते थे, पर यहाँ धरती लोक पर तो मुझे खुद बाजार जाकर सामान लाना पड़ेगा। आने में देर हो जाएगी ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्वल्पाहार लेकर आई। स्वल्पाहार मतलब? अरे अब धरती पे क्या कहते हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट। चलो ये छोड़ो, आओ बैठो और पहले खा लो। अरे माँ, लेकिन अभी खाना पड़ेगा। मॉम, मैं बाद में खा लूंगा, अभी खा लेता हूँ। आपको मार्केट जाने के लिए देर हो रहा है ना। पक्का खा लोगे ना? हाँ खा लूंगा, खा लूंगा। और सुनो, गणपति की सजावट के लिए घर आ जाना। हाँ श्योर। ठीक है, और हाँ पानी पीते रहना, ठीक है? हाँ हाँ श्योर। एक और बात, हाथ भी धोते रहूंगा। मेरा प्यारा बेटा। देखा दोस्त, मेरा पेट खाने से फुल हो गया है, पर माइंड सीक्रेट से। मैं मम्मी को ये भी नहीं बता सकता कि देव की मम्मी मेरी असली बर्थ मॉम है, और ये भी नहीं बता सकता कि मैं बालवीर हूँ, और देबू भैया भी वंस अपॉन अ टाइम बालवीर हुआ करते थे। खैर, वैसे तुम कुछ बताने वाले थे मुझे, बताओ। हाँ विवान, अनन्या, उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। हाय विवान। हेलो हेलो। तुमने माँ को देखा? कौन सी वाली माँ? अरे हमारी वाली माँ, वो एक्चुअली अपना फोन लेके जाना भूल गई हैं। अच्छा, मॉम मॉम मार्केट गई हैं। ओ थैंक्स ब्रो। बाय। तू आ जा। दोस्त, अब तुम बता सकते हो, तुम क्या बताने? लेकिन आई यू श्योर कि अब कोई भी नहीं आएगा? दादाजी, खुशी, पत्नी? हाँ हाँ ब्रो, रिलैक्स, कोई नहीं आएगा, बताओ। ओके, देन गेट रेडी। अभी तुमने कहा ना कि सीक्रेट्स के साथ जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे ही मेरा भी एक सीक्रेट है। तो क्या दोस्त, तुम फाइनली अपना चेहरा दिखाने वाले हो? हाँ, क्योंकि तिमनासा के बाद हमारे पास फिलहाल कोई भी एनिमी नहीं है। अगर इस क्यूरियस कैट रिंकू ने नगापोश को देख लिया तो उसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते बालवीर की वीरता खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। क्या करूं? ये विवान कहां गायब हो गया? विवान,
अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुझे ही ढूंढ रहे थे। डोंट यू नो 20 मिनट में जर्म्स डबल हो जाते हैं, और अगर हमने जल्दी क्लीनिंग नहीं की ना तो जर्म्स और फैल जाएंगे। विवान तू तो कभी अपने काम से नहीं भागता, तो फिर आज ही टाल मटोल कर रहा है? अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो मैं स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं और भी लोगों को इंस्पायर कर सकूं, ताकि वो साफ सफाई करें, है ना? इस कंट्री में स्पीच देने वाले बहुत सारे लोग हैं विवान, लेकिन काम करने वाले कम, तो इसलिए हमारे साथ आ और हमारी हेल्प कर। हाँ मैं जरा एक मिनट में आता हूँ, जरा वो नहीं तुम चलो। विवान को मुंह दिखाने का तो औरत ही नहीं बन पा रहा है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy। वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? Yes, yes। मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के पार चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देखो भैया थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह, देखो पापा पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हो आप और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ, हाँ। बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ, हाँ। गले लगाना चाहते हो? हाँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ? बचाओ हमें बालवीर। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर, देखो देखो भैया को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मालवीर वाली स्पेशल क्वालिटी अभी भी इनके अंदर एक्टिव है। विवान क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तमनासा के मरने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या मैं? हाँ अरे दीपू भैया आप तो ऑलरेडी हैंडसम हो, बट मैं तो ये सोच रहा था कि आप कितने हेल्पफुल भी हो, क्योंकि अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं रिंकू की हेल्प कैसे कर पाता इसलिए। अरे विवान अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। राइट दीपू भैया। वैसे दीपू भैया यहाँ की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हमें घर जाना चाहिए ना? यस यू आर राइट। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं वो बाहर से रंगोली के कलर्स लेकर आता हूँ, माँ ने बोला था लाने। ओके देखो भैया जल्दी आ जाना। हाँ जा। भैया इसे भी जरा घोल घुमा देना। शौर्य ने वार्निंग तो दे दी मुझे कि एक नई बुराई आने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बुराई का सामना कैसे किया जाएगा। Ha ha ha!
आखिरकार तिमनासा ने मरने से पहले ये कौन सी चाल चल दी है? है क्या इस यंत्र में? हाँ माँ, जल्दी आ रहा हूँ माँ। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है भारत नगर में, लेकिन क्या? अब अपनी आत्मा की गहराई से चीखो और बुलाओ अपने रक्षक बालवीर को। धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू भाई। चलो अबे निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं वो क्या आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आपको गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाती हो ना भाई। आओ जो, जय श्री कृष्णा, आओ जो, निकलो निकलो जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की, बिल्कुल सही बात की करो ना बहन, चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया, नहीं मैं लाया था, यही कहीं पे होगा, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं। आई ले जुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था, मिल गया मिल गया, चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ मैं मुझे बस मुकुट हो गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो, एकदम सेम टू सेम स्केच बना लिया नकाब पोश का, वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। हाँ गणपति जी, ओह सुबह से गणपति जी गणपति जी गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी, अब तुम भी प्रणाम करो। हा? तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। नहीं यू डफो, अब अरे 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 आराम से अनु। यू मिस अरे मिठाई है मिठाई, अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए, भागो। ये कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। मम्मी
सबके सामने मैं बालवीर कैसे बनूं? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बाप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली बावर्ची यूज करनी ही होगी। वीर स्नान प्रारंभ करना चाहिए। आज जहां देवू भैया खड़े हैं, कल मैं वहां खड़ा था। तो सारे तोड़ लिए मैंने इस बगीचे के, अब देखते हैं कि बगीचे के मालिक को कितना गुस्सा आता है। Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.